comments for the discontinuation of the video. Kerala. You see this picture? This picture is of Kerala. Here are some students who are sitting on the boat. Vallam. In some parts of Kerala, we use a vallam, small wooden boat, to reach school. Vallam, vallam kya hai? Ye ek Kerala ka hai. एक तरीके की बोट होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है, जिसे बच्चे यूज़ करते हैं स्कूल में पहुंचने के लिए. देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए बच्चों, इस पिक्चर में बच्चे बोट के थ्रू अपने स्कूल जा रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में. राजस्थान. कैमल कार्ट. राजस्थान के बारे में तो बच्चों आपको सभी को पता होगा. रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? सोचिए और समझिए और उसका आंसर सोचिए बच्चों. ऑब्वियस. ऊंट. कैमल. वी लिव इन द डेजर्ट. देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड. इट्स गेट्स वेरी हॉट इन द डे. वी राइड इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल. राजस्थान के बच्चे कह रहे हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पे चारों तरफ सैंड, रेत होता है, जो कि दिन में बहुत ही गर्म होता है, और हम ऊंट की सवारी के थ्रू अपने स्कूल में जाते हैं. बुलक कार्ट. विलेज इन द प्लेन्स. जो मैदानी इलाके होते हैं, जिस तरीके से हम जहाँ रह रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सभी कैसे एरिया हैं? मैदानी एरिया हैं, यानी कि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, समतल ज़मीन है. तो यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके की साधन यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए, जैसे कि बुलक कार्ट. वी राइड इन अवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू दी ग्रीन फील्ड्स. इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, वी यूज़ अवर अम्ब्रेलाज. यहाँ पे इस बच्चे कह रहे हैं कि हम खेतों में से जाते हैं, हरे हरे खेतों में से, अगर ज़्यादा गर्मी हो या अगर बारिश हो रही हो, तो हम अपने अम्ब्रेलाज को यूज़ कर लेते हैं. टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज. बाइसिकल राइड. हम मैदानी इलाकों में जो समतल होता है, ऊबड़ खाबड़ एरिया नहीं होता, वहाँ पे हम साइकिल भी चला सकते हैं. वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल. एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स. बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबे रोड पे अपने साइकिलों का यूज़ करते हैं. पहले यहाँ पे लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थीं, क्योंकि वो बहुत दूर होता था, लेकिन अब 7-8 लड़कियों का एक ग्रुप बना के आसानी से, चाहे रोड कैसा ही हो, वो अपने स्कूल पहुंच जाती हैं. जुगाड़. व्हाट अ व्हीकल. जुगाड़ नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी चीज़ को जोड़ के, कुछ भी मिल गया उसको जोड़ के कुछ जुगाड़ बना लिया हो, इसी तरीके से इस गाड़ी का नाम भी क्या रखा है? जुगाड़. आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, और ये हैं गुजरात की. इस गाड़ी का क्या नाम है? जुगाड़. देखो आपको आगे क्या दिख रहा है, एक बाइक का पोर्शन दिख रहा है, पीछे कुछ बैलगाड़ी का पोर्शन दिख रहा है, टायर दिख रहा है, इसमें आगे इंजन है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो इसमें बाइक का है, पीछे बैलगाड़ी का पार्ट कुछ लग रहा है. चलिए अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. इसमें गुजरात के बच्चे कहते हैं, हमारा ये बहुत ही खास ट्रांसपोर्ट है. इट साउंड्स पुट पुट पुट. ये कैसी आवाज़ करता है? फुट फुट फुट. व्हेन इट रन्स, जब ये दौड़ता है. आपने सुने भी होगी कोई बाइक में जिसमें कुछ खराबी हो जाती है, वो कैसी आवाज़ करती है? फुट फुट. इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, क्या ये कुछ खास नहीं है? द फ्रंट लाइक्स अ मोटरसाइकिल बट द कैरिज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ द प्लैंक्स ऑफ वुड. इसके आगे का पार्ट मोटरसाइकिल से बना है और पीछे का पार्ट लकड़ी के उससे बना है. The जुगाड़ has been made by using waste material. जो ये गाड़ी है जुगाड़, ये वेस्ट मटेरियल, ख़राब सामान से बनाएगी है. Why don't
You also try to make something by putting together some waste material. आप भी क्यों नहीं कोशिश करते कुछ ख़राब सामान का और जिससे कुछ सामान बना सकें. Can you think a place where none of these vehicles can reach? क्या आप सोचते हैं ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ये सब गाड़ी घोड़े नहीं पहुँच सकते. Yes, there are such places. हाँ ऐसी जगह हैं. चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. कुछ बच्चे जंगल क्रॉस करके अपने स्कूल जाते हैं. वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. हमें घने जंगलों से, थिक माने घने और फॉरेस्ट मतलब जंगल, घने जंगलों से अपने स्कूल में जाना पड़ता है टू रीच स्कूल. एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक डैट इवन सनलाइट डजंट पास थ्रू. कई जगहों पर तो ये इतने घने होते हैं कि वहाँ से सूरज की रोशनी भी नहीं पास हो पाती है. इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट देयर. और वहाँ पे बहुत ही शांति होती है, कोई शोर नहीं होता. यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स. वहाँ पे आपको सिर्फ आवाज़ मिलेंगी अलग अलग पक्षियों की और विभिन्न जीव जंतुओं की. क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु. मूविंग ऑन द स्नो नॉर्दर्न हिल्स. ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न उत्तरी पहाड़ियों की हैं. सी हाउ वी रीच स्कूल. ये बच्चे कह रहे हैं देखो देखो हम कैसे स्कूल जा रहे हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. हम कई लंबी दूरियां पार करके स्नो की, बर्फ की, तब हम अपने स्कूल जाते हैं. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और तब एक दूसरे को ध्यान से पकड़ते हुए तभी हम स्कूल जाते हैं. इफ़ स्नो इज सॉफ्ट. अगर बर्फ सॉफ्ट होती है, अवर फिट सिंक इनटू इट, तो हमारे पैर उसके अंदर सिंक माने डूब जाना, तो उसके अंदर धंस सकते हैं. व्हेन द स्नो इज फ्रोजन. और जब बर्फ जमी हुई होती, फ्रोजन माने जमा हुआ, वी मे स्लिप एंड फॉल. उस समय हम फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं. स्लिप माने गिरना और फॉल मतलब गिरना. सॉरी, स्लिप माने फिसलना और फॉल मीन्स गिरना. रॉकी पाथ. अच्छा ये बताइए पहाड़ी इलाके कहाँ पे होंगे. सोचिए कुछ समय का टाइम है आपके पास. पहाड़ी इलाके कुछ जगहों के नाम दिमाग में आ रहे हैं आपके. यस, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल. दीज आर हिली पाथ्स. रॉकी यानी कि जहाँ पे पत्थरों से बने हों. वी लिव इन द माउंटेन्स. हम पहाड़ों में रहते हैं. द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन. जो पाथ होते हैं, पाथ मतलब रास्ता, वो चट्टानों से होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं. अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, एक जैसा नहीं होता है. द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन. यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं प्लेन्स पे, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे चलना, लेकिन हम लोग यहाँ पे आसानी से चल लेते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी आदत बन जाती है, हम जहाँ रहते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग रहना आ जाता है. और जहाँ हम पहाड़ी इलाकों वाले बच्चे मैदानी इलाकों पर रह लेंगे, लेकिन हम जैसे लोग अगर वहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं और हम उसको इजीली आसानी से नहीं कर सकते. नो मैटर वेदर देर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल. इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे रास्ते में घने जंगल आ रहे हैं, खेत आ रहे हैं, फार्म्स मतलब खेत, माउंटेन्स पहाड़, या बर्फ आ रही है, हम मैनेज कर लेते हैं. हमें किसी ना किसी तरीके से स्कूल जाना है. सी मी वॉक. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in these situations. आप अपने दोस्तों के साथ
ग्राउंड में जाएं, खुले स्पेस में, खुली जगह पर. द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स. अगर ग्राउंड मान लो सॉफ्ट मुलायम गुलाब की पत्तियों से बना है. द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स. अगर ग्राउंड में जो है वो पूरा कांटों से भरा है, थॉर्न्स मतलब कांटे, और लंबी लंबी घास हैं. द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो. अगर ग्राउंड बर्फ से ढका है तो आप कैसे चलेंगे और आपको कैसा फील होगा? पहले सिचुएशन क्या है, अगर वहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब के फूल की पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ पड़ी हैं और वो पूरे ग्राउंड पे पड़ी हैं, तब आप चल रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? और दूसरी सिचुएशन है कि वहाँ पे कांटे हैं, लंबी लंबी घास हैं, तब आपको कैसे चलने में कैसा महसूस हो रहा है? आसानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है? या फिर उस ग्राउंड पे बर्फ़ है, तब आपको चलने में कैसा महसूस हो रहा है? तब आप कैसे चल रहे हैं, आसानी से या मुश्किल से? ये तीन सिचुएशन है. आप तीनों अगर इन्हें कर सकते तो करिए, नहीं तो आप इसको इमेजिन करिए क्या हो सकता है. वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम. जब आप चलेंगे तीनों बार तो आपको अपने चलने में कुछ डिफरेंस महसूस होगा. फॉर्म चिल्ड्रंस पेन, नो पनिशमेंट्स, फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर. ये बच्चों के लिए है, कुछ बच्चों के कोने से है, बच्चों के पेन से, बच्चों के. अगर आप टेस्ट में फेल होते हैं आपको 30 डंडे लगेंगे. फोल्ड अराउंड इन द टेस्ट. अगर आप बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं टेस्ट में, चीटिंग कर रहे हैं, तो आपको 15 रूलर्स. अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको 8 डंडे लगेंगे. नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन. अगर आपके नाखून दांत और ड्रेस क्लीन नहीं है तो आपको 30 सीट्स तक उठक बैठक करनी पड़ेगी. हैविंग फन इन दिस क्लास व्हेन टीचर इज आउट. अब मजे कीजिए जो क्लास में टीचर ना हो, ये सब करके. स्टैंड ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़े हुए, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक. नोट बैक इन द क्लास आफ्टर रिसेस. क्लास में अगर लंच के बाद वापस नहीं आते, स्टैंड ऑन द बेंच. आपको बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा विथ योर हैंड्स. आपको अपने हाथों पर करके अप इन द एयर फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए. ये कुछ पनिशमेंट्स हैं जो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए कभी कभार टीचर्स कर देते हैं. आप इन्हें खुद करके देखें और फील करें कैसा होता है. ओके बच्चों, दिस चैप्टर इज फिनिश कंप्लीट. आफ्टर दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू डन दैट क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, बाय.